दीपिका पादुकोण इन एन एज फाइटर, जॉन फाइटर की बात कर रहे हैं, फाइट की बात कर रहे हैं। तो आपने इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी है और यशराज में जैसे आपने कहा पहली धूम फिल्म तो कोई भूल नहीं सकता, उसमें भी बड़ा अच्छे सिक्वेंस थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने क्या एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, इसको निभाना है? आई थिंक जिम इज कूल, ही इज मुझसे रहा नहीं जा रहा। दीपिका को तो मैंने बहुत किया है, जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ। अरे फोटो नहीं आया, फोटो नहीं आया। मैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता, जॉन बहुत प्राइवेट लड़का है, हम आराम से बाद में। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम ब्लशिंग। नहीं आई थिंक सॉरी आई फॉरगॉट टू थ्री पीपल टू थैंक। शाहरुख के किसने पता नहीं क्या कर दिया मुझे। अभी जॉन जॉन हाँ हाँ अभी जॉन फेस वॉश नहीं यूज करेगा। अभी फेस वॉश यूज नहीं करूंगा मैं। नहीं आई'ड लाइक टू ऑल्सो थैंक हुसैनी मेहरनोश और हमारी जो पूरी टीम VFX की टीम और प्रसाद गणेश। यार ये एक्सेप्टेंस स्पीच लग रहा है मेरे को ऑस्कर का। नहीं नहीं सबको। और निशित जो हमारे DA है बेचारा, आई मीन ही वाज इन द डबिंग एंड ही वाज, बट योर किस वाज द बेस्ट। हाँ जिम के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, जिम जो कैरेक्टर मिला आपको तो उसके लिए क्या एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यार जिम ये कैरेक्टर है? वे आई थिंक इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल थे, ही हैज टू बी वेरी कूल, ही कांट प्ले विलन लाइक अ विलन एंड ही हैज टू बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड द राइटर फॉर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग द कैरेक्टर, क्योंकि मैं हमेशा आई ऑलवेज बिलीव एन एक्टर इज लाइक अ हॉर्स, द डायरेक्टर इज लाइक अ जॉकी।